Hello and welcome to my YouTube channel. Curious Aussie has one more review to share with you today. किस मूवी के बारे में हो सकता है? अच्छा, इसकी मैंने ना हाइप सुनी थी ना कोई न्यूज़ आई थी, बट ऐसे ही मैं ऑफ एंड ऑन चेक करता रहता हूँ कौन सी कोई इंडियन या इंग्लिश मूवी आई हो या पाकिस्तानी मूवी आई हो, तो जाके बंदा देखता है तो इन्जॉय करे. शैतान देख के आया हूँ. अजय देवगन है उसमें, ज्योतिका हैं जो कि उनकी वाइफ का करेक्टर उन्होंने प्ले किया है, और छोटा बच्चा, मुझे ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी, छोटे बच्चे का ध्रुव जिसने प्ले किया है, ध्रुव का करेक्टर, उसका असली नाम क्या मुझे नहीं पता. मैं कास्ट देख रहा था और जानकी, मेरे ख्याल से जानकी बोदी वाला नाम है, क्या क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है. मतलब मैं बता नहीं सकता कि आई थोरली एन्जॉयड द मूवी. और हॉरर मूवी कमिंग फ्रॉम इंडियन सिनेमा, तो बंदा कहता है यार ये क्या ही फिल्म बनाई होगी. लेकिन जहाँ पे अजय देवगन इन्वॉल्व हो जाए, ओ माय गॉड, क्या ज़बरदस्त फिल्म बनाई है. एक कहानी, ये रीमेक है एक गुजराती फिल्म का जिसका के नाम था वश. और अपेरेंटली जब मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, थोड़ा बहुत न्यूज़ कलेक्ट कर रहा था, तो जो जानकी बोदी वाला हैं, आई अपोलोजाइज इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम इनकरेक्टली, जानकी ने गुजराती फिल्म में भी यही लड़की का किरदार अदा किया है. जल्दी जल्दी से बात करते हैं. जब कहानी शुरू होती है तो अजय देवगन और अपनी फैमिली के साथ किसी ढाबे पर जाते हैं. मेरे ख्याल से देहरादून का एरिया, इंडिया का बहुत ही खूबसूरत एरिया, मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ बट सुन रखा है कि बहुत ही खूबसूरत जगह. तो वहाँ पे ये लोग जो हैं आपस में कहीं जाते हैं, रास्ते में रुकते हैं किसी ढाबे पे, वहाँ पे चाय खाना पीना करते हैं. तो वहाँ पे इनसे आके आर माधवन, अच्छा आर माधवन की मैंने एक्टिंग देखी हुई है, मतलब ही इज़ अ वेल नोन फेस, वेल नोन नेम, और वो अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं. लेकिन आर माधवन हमेशा जिस भी फिल्म में आते हैं वो इम्प्रेस करते हैं, और एक नया एक्सपीरियंस होता है उनको देख के बड़ी स्क्रीन पर. तो मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ जिस किस्म की एक्टिंग उन्होंने की है. बेसिकली शैतान का किरदार अदा किया है आर माधवन ने. ऐसा करेक्टर है जो कि तांत्रिक लोग होते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं और इस तरह की चीज़ें. तो बेसिकली फिल्म भी उसी ट्रैक पे चलती है. ये ढाबे पर जाते हैं, मैं इसका एंड बिल्कुल नहीं शेयर करूँगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट फॉर यू गाइज, बट आई रियली वॉन्ट टू गो एंड वॉच दिस मूवी योर सेल्फ. ये लोग ढाबे पे बैठते हैं, आर माधवन आता है, इनसे घुल मिल जाता है. वैसे ही इनके बेटी जो है उसको कुछ खिलाता है और वो उसको अपने वश में कर लेता है, और बस पूरी फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूमती है. ये लोग घर आते हैं, अच्छा कुछ देता है खाने को, फिर उसके साथ जब ये गाड़ी में वापस आने लगते हैं फार्म हाउस अपने, तो बिस्किट का पैकेट भी देता है और कहता है कि ये भी खा लेना घर पहुँचते ही. तो दैट्स इट, तो उसकी बातें मानना शुरू कर देती है. ये वो सब बातें जो आप ट्रेलर में भी देख चुके हैं, तो ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा. तो बहुत ही फास्ट पेस्ड है, आपको एक सेकंड के लिए नहीं बोर करती है फिल्म. आज था मेरे ख्याल से तीसरा दिन था कि चौथा दिन था इस मूवी का आफ्टर इट्स रिलीज. लेकिन हैड्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, और जो एक्टर्स ने जो प्ले किया, सबसे ज़्यादा तारीफ की हकदार हैं जानकी बोदी वाला. She has done an amazing job. Her expressions, her body language, her character, her acting skills, सबसे ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग थी. इनकी वाइफ जो प्ले कर रही हैं ज्योतिका, उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त. अच्छा, बात जहाँ पे आती है अजय देवगन की, वो दृश्यम कर चुके हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी फैमिली पे बात आए तो कौन बाप पीछे हटता है या माँ बाप पीछे हटते हैं. तो ही हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस मूवी, बट आर माधवन स्टोल द शो. और उनके बाद अगर कोई हैं तो वो मैं कहूँगा कि जानकी बोदी वाला, जिन्होंने मेन कैरेक्टर अप्लाई किया. उसको कहता है उठो, वो उठ जाती है, बैठो, बैठ जाती है, खाना शुरू कर दो, खाना शुरू कर देती है, रोने लगो, रोने लगती है, हंसने लगो, हंसने लगती है. तो ये जब ये बिस्किट वगैरह खिला के इनके घर पर आ जाता है, समहाओ कहता है कि मेरा फ़ोन नहीं काम कर रहा, ये चार्जिंग पर लगा दो. तो वो लोग जो है अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलो कहते हैं इट्स ऑल अबाउट 15 मिनट्स, तो वो कर लेगा एंड ही विल बी ऑन हिज वे.
लेकिन ऐसा होता नहीं है। आर माधवन पूरी रात इनको जो है टॉर्चर करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जानकी के थ्रू ऐसी चीज़ें करवाता है जो कि मतलब ट्रूली माँ बाप की पेशेंस टेस्ट करते हैं, और छोटा जो बेटा है उनका थ्रू सारे चैलेंजेस के साथ साथ आगे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और सम हाउ ये एक ऐसी रात है जिसमें इसने पुतले उतले इकट्ठे किए हुए हैं, और पता लगता है कि कोई बहुत सारी सेम एज की, जानकी की एज की लड़कियां हैं जो इसने इकट्ठी की हुई हैं आर्माधवन ने, शैतान ने, और उनको जो है एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, और कोई कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है वो आप खुद मूवी देखेंगे तो पता लगेगा। अजय देवगन अपनी फैमिली को बचा पाता है या नहीं, खुद आप देखिएगा, चाहिएगा। और मतलब है आर माधवन के बारे में एक जगह मैं पढ़ रहा था कि ही एट देम ऑल एंड डिडंट इवन लीव बिहाइंड द क्रम्स। तो बस इस इरेजर ही मैं बात ख़त्म करूँगा। लेकिन आई थर्ली एंजॉयड द मूवी। फर्स्ट हाफ हाफ ऑफ द मूवी इज 10/10। उसके बाद का हाफ जब एंड की तरफ बढ़ता है, अमेजिंग। नई स्टोरी है क्योंकि गुजराती मूवीज़ हम देखते ही नहीं है, समझ नहीं आती। तो उसका रीमेक और इतने ज़बरदस्त एक्टर्स के साथ रीमेक करना बहुत ज़बरदस्त था। जानकी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है जानकी ने। अपने करीबी सिनेमा घरों में जाकर ज़रूर देखें। मेरी तरफ से तो इस फिल्म को फुल मार्क्स हैं। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और ये नेटफ्लिक्स पे भी आएगी बाय द वे, लेकिन कब आती है अभी तो खैर बहुत अभी अभी रिलीज़ हुई है, तो जाके देखें। और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। जो मैंने सुना है इस फिल्म का पार्ट टू भी शायद आए, तो वो जब आएगा तो फिर उस पर बात होगी। लेकिन डू वॉच दिस मूवी एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस मूवी, हाउ डिड यू लाइक दिस मूवी। थैंक यू। हाँ, हर वीडियो के एंड में ये बात करना मैं भूल जाता हूँ, तो ये कहता चलूँ कि ये चैनल भी आप लोगों का है। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, ताकि आपको नई वीडियोस जो है जैसे ही अपलोड हों तो आपको वैसे ही पता चल जाए। आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूँगा। तो कीप वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टेक केयर। बाय बाय।